अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के इंजेक्शन चुराने वाला गैंग गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस को आज एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है जो कोरोना काल में मरीजों को दी जा रही दवाइयों को चुराकर ऊंचे दामों में बेचने का अवैध धंधा कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कोरोना संक्रमित मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन और दूसरी दवाइयां बरामद की हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी चल रही है। कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़े नियम जारी किए तो पुलिस ने भी सभी जनपदों में ऐसे गैंगों की धरपकड़ शुरू कर दी है जो अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली दवाइयाँ चुरा कर बढ़े हुए रेट में बेचने का गोरख धंधा करने में लगे हुए हैं और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुरादाबाद की थाना मंझोला पुलिस ने भी नए मुरादाबाद स्थित ब्राइट स्टार नाम के बड़े निजी अस्पताल में दो कर्मचारियों सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये लोग ब्राइट स्टार हॉस्पिटल और हरिद्वार रोड स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन और जान बचाने वाली दूसरी दवाइयां चुराकर बेचने का काम कर रहे थे। मुरादाबाद एसएसपी ने एक टीम बनाकर इस गैंग के चार लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए इंजेक्शन और नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में ब्राइट स्टार हॉस्पिटल का पीआर पीयूष और नर्सिंग स्टाफ का अबरार सहित कुल चार आरोपी पकड़े गए हैं। इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए कोरोना महामारी के दौरान जो लोग रेमडेसिविर और हैवी फ्लू नामक दवाओं और इंजेक्शन का अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बिक्री कर रहे थे, ऐसे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो रेमडेसिविर के इंजेक्शन, दो खाली, एक भरी हुई सिरिंज, इसके अलावा 12 हैवी फ्लू के जो है टैबलेट, साथ में 62,000 रुपये इनके पास से बरामद किए हैं। ये चार लोग जो है विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं जो मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को चुरा करके ला करके मार्केट में उच्च दामों में बेचते थे। एक सूचना मिली थी एसएसपी महोदय को, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है किसी भी चोरी से संबंधित, किसी भी अपराध संबंधित, और नंबर जारी किया गया है। उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन और हैवी फ्लू नामक दवा का ऊंची कीमतों को 10 से 20 से 25,000 रुपये लेकर के विक्रय कर रहे हैं। इस पर टीम बना करके तो टीम को भेजा गया तो इसी क्रम में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन, हैवी ट्यूब टैबलेट और 62,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक अभियुक्त रिक्की जो है उसके घर पकड़ का प्रयास जारी है। इसमें और जाँच की जा रही है कि और कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं। जो कामराज नामक व्यक्ति है ये मूलतः जो है रहने वाला कांट का है, उमरी का, और ये ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसके अलावा एक पीयूष जो पीआर का काम करता था ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के लिए, इसका कहना है कि वहाँ पीआर का काम करता था तो पीयूष के माध्यम से ही ये सब बेचते थे। एक अभियुक्त सत्ताम जो कॉस्मोस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में था, उसके द्वारा भी मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन को चोरी करके ला करके पीयूष को दिया जाता था। पीयूष और रिक्की मिल करके दोनों इसका व्यापार करते थे। एक जीवन अभियुक्त है जो कि रहने वाला जनपद रामपुर का है, ये टीएमयू में नर्सिंग स्टाफ है। इसने वहाँ चोरी करके कुछ इंजेक्शन लाए थे और इसको पीयूष के माध्यम से इन्होंने बेचने का काम किया था। ये मूलतः ब्राइट स्टार या अन्य जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनके आसपास लोगों को बेचने का काम करता है।